अस्सलामुअलैकुम जुबिन परदेसी आपके साथ, आपके लिए एक सोसाइटी टॉपिक के साथ। हमारी रोज़मर्रा की लोगों के साथ ज़ाहिर मुलाकात होती है हर फील्ड में, हर तरह से, घर चाहे घर में आप हो या बाहर हो, अपने जॉब पे हो या प्राइवेट किसी से मिले। हमारी बॉडी लैंग्वेज, सो दिस इज़ माई टॉपिक टुडे। हमारी बॉडी लैंग्वेज जो है वो हमें कैसे पोर्ट्रे करती है, और जो हमारे सामने वाला इंसान है उसको हम कैसे समझ सकते हैं ज़्यादा, जब उसका हम बॉडी लैंग्वेज पे हम ध्यान दें। बॉडी लैंग्वेज होती क्या है? बॉडी लैंग्वेज इज बेसिकली इट्स अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आपका एक्सप्रेशन भी, आपका जो मैनरिज्म है, कम्युनिकेशन है, वो सारा आप जो आपके सामने वाला इंसान है उसका जो तरीका है उससे आप इस तरीके से आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि इस इंसान का जो ये क्या सोच रहा है या किसके साथ किस तरह से आप मुझे डील करना है। और यही आप दूसरे इंसान को अपना एक अपने आप को पोर्ट्रे कर सकते हैं, दूसरे इंसान को ये पैगाम आप सॉर्ट कहते हैं पहुँचा सकते हैं। बॉडी लैंग्वेज जो है उसको हम उससे हम बहुत सारी चीज़ें पोर्ट्रे कर सकते हैं, लाइक हैप्पीनेस कह लें, सैडनेस, एंगर, सरप्राइज, डिस्गस्ट, फियर, कन्फ्यूजन, एक्साइटमेंट, डिज़ायर, कंटेंटमेंट, कंटेम्प्ट, कुछ भी आप उसको किसी तरह से भी, ये सारे इमोशंस जो हैं ये हम कर सकते हैं। आपने आँखों से आप, क्योंकि आईज आर नोन टू बी द क्या कहते हैं उसको, डोर्स टू योर सोल, तो आँखों से आप बहुत देख सकते हैं। आँखें अगर आप देखें, आप किसी से बात करें और वो इंसान जो है वो आँखें इधर या ऐसे मूवमेंट उसकी हो रही है, डायरेक्ट आपको नहीं देख रहा है, दिस मीन्स दैट दिस पर्सन इज हाइडिंग समथिंग, एक चीज़ है। दूसरा ये है कि अगर वो आँखें बंद कर लेता है, इट मीन्स कि वो आपकी बात शट आउट कर रहा है, आपको सुनना नहीं चाह रहा है। अगर एक इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा अगर बात करते हुए ब्लिंक कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, दैट मीन्स ही इज लाइंग, ठीक है। दूसरा ये होता है अगर आप देख सके किसी का, अगर उसके प्यूपल्स जो है वो डायलेट हो गए हैं, दैट मीन्स दैट पर्सन लाइक्स यू, तो ये भी होता है। और इसके अलावा जो है वो आप ये देख लीजिए अपने मेनली आँखों से, लिप्स से आपको पता चल जाएगा, अगर उसके लिप्स ऐसे पर्स्ट किए हुए, दैट मीन्स के इज नॉट इंटरेस्ट, दैट पर्सन इज नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू यू एट दैट मोमेंट। लिप बाइटिंग अगर कर रहा है बात करते हुए, कोई लिप बाइट कर रहा है, तो उसका मकसद ये है कि वो आपसे कुछ छुपा रहा है, कुछ मतलब एंक्शस है, वरिड है, कुछ छुपाया हुआ है उसने। और अगर आप जो है वो मुंह जो है वो बार बार ऐसे ऐसे कर रहे हैं, लिप्स जो है ऐसे ऐसे कर रहे हैं, यूं कर रहे हैं, दैट ऑल्सो मीन्स दैट पर्सन इज ट्राइंग टू कन्वर्ट द जो भी कन्वर्सेशन हो रही है उसको वो कन्वर्ट करना चाह रहे हैं किसी और तरफ। तो ये मेन जेस्चर्स होते हैं जिससे कि इंसान देख सकता है। आप किसी से बात कर रहे हैं, उससे हाथ ऐसे क्लेंच किए हुए, इसका मतलब है कि वो जो है उसको उसमें गुस्सा है। अच्छा, अगर एक इंसान ने जो है वो हाथ पीछे किए हुए हैं, इट मीन्स दैट ही इज बोर्ड, ही डजंट वांट टू टॉक टू यू एट द मोमेंट। किसी ने हाथ ऐसे रखे हुए हैं तो इसका मतलब है कि दैट पर्सन इज शोइंग एग्रेशन, या अपने वो इस चीज़ में है कि मैं आई एम लाइक इन कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन। अगर किसी ने हाथ ऐसे बांधे हुए हैं, दैट मीन्स कि वो बंदा जो है वो अपनी जो भी वो अपना उस वक्त कन्वर्सेशन में हो रहा है वो उसको डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहा है, उसको यू नो छुपा रहा है, उसको पकड़ के उसको बैठा हुआ खुले हाथ ऐसे करके है, दैट मीन्स दैट पर्सन इज ट्राइंग कि वो आप पे अपना एम्पावरमेंट करना चाह रहा है, कि अपने आप से बड़ा दिखाना चाह रहा है अपने आप को। और ये छोटी छोटी बातें होती हैं इंसान को जो देखना है। बैठने का तरीका जो है, जिस तरह अगर आपके साथ कोई इंसान बैठा हुआ है या आप किसी का बैठे हुए बात कर रहे हैं और वो टांग पे टांग रख के आपसे थोड़ा इस तरह साइड पे हो जाता है, दैट मीन्स कि वो आपसे आपकी बात से आपसे बात नहीं करना चाह रहे हैं, इंटरेस्टेड नहीं है इस तरह से होता है। रेज्ड आईब्रो, अच्छा सबसे अच्छा जो एक्सप्रेशन होता है किसी का, कि दैट पर्सन इज इंटरेस्टेड इन यू, उसका कि लिटिल बिट आईज आईब्रोज अ लिटिल बिट रेज्ड एंड अ स्मॉल स्माइल ऑन द फेस, इट मीन्स कि वो बंदा आप रियली इंटरेस्टेड होकर आपकी बात सुन रहा है। इसके अलावा ऑफकोर्स बॉडी लैंग्वेज में बहुत कुछ आता है। बॉडी लैंग्वेज आप किसी से भी आप देखिए, आपको बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, आप अपना जो तरीका है, बॉडी लैंग्वेज है, उससे आप अगले इंसान को बता सकते हैं कि आप उसके साथ बात करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं। आप किसी की तरफ नहीं देख रहे, आपसे कोई इंसान बात कर रहा है आप दूसरी तरफ देख रहे हैं, आँखों को रोल कर रहे हैं, हाथों को देख रहे हैं, हैंडी को देख रहे हैं, इट ऑल मीन्स कि आप इंटरेस्टेड नहीं है इसमें ना। और अगर आप ध्यान से उसकी बात सुन रहे हैं,
उसकी आंखों में आपने आंखें डाल के आई कॉन्टेक्ट उसका होल्ड किया, व्हेन यू आर लिस्निंग एंड यू हैव अ स्मॉल स्माइल ऑन योर फेस मींस दैट यू आर इंटरेस्टेड एंड टू लिस्निंग व्हाट दिस पर्सन इज सेइंग. तो ये सारे जो है ये हमारी डे टू डे लाइफ में हम इनकाउंटर करते हैं इस चीज़ को. और बॉडी लैंग्वेज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बॉडी लैंग्वेज जो है उससे आपको ये भी पता चल जाता है कि अगला इंसान जो है झूठ किस हद तक झूठ बोल रहा है. आंखें अगर एक इंसान नहीं मिलाता, जैसे मैंने पहले कहा आंख ब्लिंक कर रहा है आपसे साइड भी हो, नॉर्मली आंख जब एक इंसान जब राइट तरफ ऐसे ज़्यादा देखता है मींस वो झूठ बोल रहा है. आपसे आपके सामने नहीं बैठा हुआ, मतलब आपके सामने बैठा हुआ लेकिन पोस्चर थोड़ा साइड पे किया हुआ है, आपको कम बोल रहा है या बहुत ज़्यादा बोल रहा है, दोनों चीज़ों में ये है कि ये इंसान आपके साथ झूठ बोल रहा है. तो छोटी छोटी बातें थी. आई थॉट आई मेक अ स्मॉल वीडियो आउट ऑफ इट एंड ये सारी आई होप कि आई हैव कवर्ड एवरीथिंग. और अगर नहीं तो आई मेक अनदर वीडियो. टिल देन जयमन परदेसी को इजाज़त दीजिए. इट्स द नेक्स्ट.